हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संध्या, संध्या कुकिंग क्लास वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे स्टफ्ड चिकन बन पिज़्ज़ा। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो खाने के लिए मन लग रहा है ना, कितना टेस्टी है ना फ्रेंड्स, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स, टेस्टी तो लगेगा ना, एक बार ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। मैंने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सिखाऊंगी, बहुत आसान मेथड में सिखाऊंगी, आप वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। देखिए, इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का बाउल ले लिया फ्रेंड्स, उसमें वार्म मिल्क 1/4 कप ले लिया फ्रेंड्स। उसके 1/4 कप लेने के बाद इसमें मैंने 2 टेबलस्पून शुगर डाल रहे हैं, शुगर पाउडर फ्रेंड्स, आप शुगर भी डाल सकते हो, शुगर पाउडर भी डाल सकते हो फ्रेंड्स। मैंने शुगर पाउडर डाल दिया। शुगर पाउडर डालने के बाद मैंने ईस्ट ले लिया फ्रेंड्स, ये ईस्ट है फ्रेंड्स, 1 टीस्पून ईस्ट डाल दिया। ईस्ट डाल के अब अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हमें ढक्कन लगा के छोड़ देंगे फ्रेंड्स। देखो, अच्छे से स्पून से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद हमें ढक्कन लगा के 5 मिनट इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे फ्रेंड्स। रेस्ट के लिए छोड़ने के बाद इसमें जरूर एक इंपॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ फ्रेंड्स, हमेशा ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हमें कांच का और प्लास्टिक का बॉल में यूज़ करना है फ्रेंड्स। इससे क्या होता है, जल्दी से हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, उसके बाद मैंने एक प्लेट ले लिया फ्रेंड्स। प्लेट लेने के बाद मैंने 2 कप मैदा ले लिया फ्रेंड्स। 2 कप मैदा लेने के बाद मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया, 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं फ्रेंड्स। ऑयल डालने के बाद अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो गया फ्रेंड्स। ये एक्टिवेट हो गया कैसे पता चलता है फ्रेंड्स, देखिए ऊपर फूलने जैसा आ गया ना फ्रेंड्स, इसका मतलब ईस्ट एक्टिवेट हो गया फ्रेंड्स। देखिए, मैंने इसको इसको अच्छे से मिक्स करके हमें इसी ईस्ट से एक डो बनाएंगे, अच्छे से डो बनाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो फ्रेंड्स, आप सेम प्रोसेस में सॉल्ट, नमक ऑयल डालने के बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के दही से मिक्स करके अच्छे से डो बना लीजिए। मैंने उसके बाद ये डो हमारे रेडी हो गया फ्रेंड्स। इसके ऊपर ऑयल लगा के ऑयल से ग्रीस करके मैंने 15-20 मिनट के लिए मैंने रेस्ट के लिए छोड़ दिया फ्रेंड्स। रेस्ट को छोड़ देने के बाद हमारा 20 मिनट हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए, फूलने जैसे हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, हमारे जितना अच्छे से फूल गए फ्रेंड्स। अब इसको फिर से दोबारा अच्छे से इसको मसलना है फ्रेंड्स। देखिए, मैंने पहले ऐसे खींचना है, फिर अंदर बाहर बंद करना है, ऐसे खींचना है फिर बंद करना है, एक ही प्रोसेस में ऐसे कर 5 मिनट लगभग करना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए, उसके बाद हमारा सॉफ्ट डो रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। सॉफ्ट डो, ये बन और ब्रेड बनाने के लिए प्रोसेस बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। देखिए, उसके बाद मैंने इसको छोटे सबको इक्वल पार्ट्स में बनाना है फ्रेंड्स। इक्वल पार्ट्स में छोटे छोटे मैंने कट लगा दिए। कट लगाने के बाद मैं हमारा 6 बॉल्स रेडी हो गया। 6 बॉल्स रेडी होने के बाद मैंने अच्छे से बॉल की तरह बना लिया राउंड में। बनाने के बाद इसको रोटी की तरह बेलना है फ्रेंड्स, छोटी सी रोटी तरह बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना, मोटी नहीं करना, हाथ से भी आप कर सकते हैं, मैंने इससे कर रहे हैं। उसके बाद इसमें सेंजवान चटनी लगा रहे हैं फ्रेंड्स। सेंजवान चटनी आपके पास नहीं है तो आप टमाटर केचप भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने चिकन पीसेस को रख दिया। चिकन पीसेस रखने के बाद मैंने मोजरेला चीज़ ग्रेट करके रखी हूँ और डाल रही हूँ, अच्छे से डाल दीजिए। डालने के बाद इसको ऊपर मैंने रेड चिल्ली फ्लेक्स और ऑरेगानो डाल के अच्छे से बंद कर रहे हैं। पिज़्ज़ा बोल रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसलिए पिज़्ज़ा की टेस्ट आने के लिए मैंने ये डाल रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास आप चिकन से नहीं, आलू से भी ऐसे स्टफिंग, आलू की सब्ज़ी बना के ऐसे स्टफिंग कर सकते हैं, नहीं तो पनीर से भी आप स्टफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ऐसे स्टफिंग कर सकते हैं, इसी प्रोसेस में आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ऐसे बन की शेप दे दीजिए, राउंड में बन की शेप बनाना है फ्रेंड्स। बनाने के बाद इसको मैंने दूसरे भी ऐसे बना रहे, सेम प्रोसेस में सारे वैसे बनाना है फ्रेंड्स, सेम टू सेम। मैंने चिकन को कैसे फ्राई किया फ्रेंड्स ये बताती हूँ। चिकन को मैंने पहले से 5 मिनट मैरिनेट करके रख, सारे मसाला डाल के मैरिनेट करके मैंने शैलो फ्राई कर दिया फ्रेंड्स। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना, क्योंकि हमारे चिकन इसके साथ बेक होता है ना फ्रेंड्स, इसलिए मैंने शैलो फ्राई करके उसको मैंने ठंडा होने के बाद ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आप इसमें पनीर भी यूज़ कर सकते हो, आलू भी, आपकी जो पसंद है वो सब यूज़ करके स्टफिंग कुछ भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। इसके सेम प्रोसेस में कर दीजिए। उसके बाद हमें ये भी रेडी हो गया। देखिए फ्रेंड्स, चीज़ डाल दिया, उसके बाद ऑरिगेनो डाल के ऐसे सेम प्रोसेस में बनाना है फ्रेंड्स। सारे बंस को मैंने वैसे रेडी कर दिया फ्रेंड्स। अगर आप मेरी वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बच्चे से लेकर बड़ों तक बहुत पसंद आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, मैंने ऐसे सारे बंद करके ऐसे इसके अच्छे से बन की शेप में बनाना है फ्रेंड्स। अच्छे से बंद कीजिए, कहीं भी गैप नहीं कवर, नहीं तो पन्ने के बाद पट जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए अच्छे से कवर करके बंद कीजिए। बंद करने के बाद देखिए, हमारे बन की शेप रेडी हो गया ना। रेडी होने के बाद हमारे सारे ऐसे सेम बन कर, सारे प्रोसेस सभी ऐसे बना लिए मैंने। हमारा सारे
हमारे सारे रेडी हो गए फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने बेकिंग ट्रे को पहले से ऑयल से ग्रीस करके रखे हुए फ्रेंड्स, उसमें गैप गैप देके मैंने उसमें रख दिया फ्रेंड्स। बीच बीच में गैप रखना, सारे पास पास में नहीं रखना फ्रेंड्स, बीच बीच में गैप रख के 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। 30 मिनट्स होने के बाद देखिए फ्रेंड्स, फुल गया है ना, सारा गैप पूरा कवर हो गया ना फ्रेंड्स, इसलिए गैप पहले से गैप रख के रखना है फ्रेंड्स। बन बनाने के लिए एक एक के बीच में गैप होना चाहिए। उसके बाद रेस्ट होने के बाद देखो फुल गया, इतना बड़ा बड़ा हो गया ना फ्रेंड्स, बड़ा होने के बाद सारे एक साथ हो गया। इसके बाद इसके ऊपर मैंने ऑयल दूध से मिल्क से मैंने ग्रीस कर रहे हैं फ्रेंड्स। मिल्क से ग्रीस करने से क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बनने के बाद अच्छे से ब्राउनिश कलर आएगा फ्रेंड्स। देखिए इसे मैंने पहले से 180 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट कर दिया 10 मिनट्स के लिए मैंने ओटीजी को। उसके बाद मैंने इसमें 20 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रख दिया फ्रेंड्स। 20 मिनट्स हो गया, 20 मिनट्स होने के बाद मैंने टूथपिक लगा के चेक करना है फ्रेंड्स। चेक करने के बाद टूथपिक हमारा सॉफ्ट निकला, इसका मतलब मैंने हमारा ब्रेड बन रेडी हो गया फ्रेंड्स। इसमें ओटीजी से निकाल रहे हैं फ्रेंड्स। निकालने के बाद गर्म होते हुए इसके गर्म में हमें इसके ऊपर हमारे बटर लगाना है फ्रेंड्स। बटर लगा के अच्छे से बटर से ग्रीस करना है। बटर से ग्रीस करने से क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे बन ड्राई नहीं होता है। उसके बाद एक ऊपर अच्छे से शाइन भी होता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। उसके बाद इसमें मैंने रेड चिल्ली फ्लेक्स और ऑर्गेनिको अच्छे से स्प्रिंकल कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपकी पसंद जो भी डेकोरेशन करना है तो कर सकते हो फ्रेंड्स। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। हमारा बन रेडी हो गया फ्रेंड्स। अब हमें इसको अच्छे से निकाल के एक एक को निकाल के सर्व करेंगे फ्रेंड्स। देखिए हमारे बन रेडी है, मैंने स्प्रिंकल कर दिया सारा। स्प्रिंकल करने के बाद मैंने एक एक को निकाल रहे हैं चाकू की हेल्प से। उसके बाद आज देखो मैंने प्लेट में डेकोरेट कर दिया, प्लेट में खाने के लिए रेडी हो गया। आप ज़रूर ट्राई करना, मुझे कॉमेंट करके बताना आपकी रेसिपी कैसे बनी है।